राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के तहत कई सारी छूट दी है, रियायत दी है, कामकाज फिर से शुरू कर दिया, लेकिन अभी तक मॉल को नहीं खोल पाए हैं। इसके लिए सरकार ने अभी तक गाइडलाइन तैयार नहीं की है, इंतज़ार काफ़ी लंबा होता जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, दुकानें भी काफ़ी सारी ज़्यादा है। विजय रेड्डी साहब हमारे साथ हैं, मॉल के मैनेजर हैं ये। सर, क्या आप लोग प्रिपेयर हैं यदि सरकार गाइडलाइन के तहत आपके मॉल को खोलती है तो उस पूरे मॉल को खोलने के लिए आप रेडी हैं? नहीं, हम लोग रेडी हैं, लेकिन हम लोग जैसे जो गवर्नमेंट हमको गाइडलाइंस देगी उसके लिए अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, लेकिन पब्लिक की सेफ्टी पहले। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक को समझना चाहिए कि किस हिसाब से डिस्टेंस है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह का पूरा कंप्लीट कर लें, उसके अकॉर्डिंग अपनी शॉपिंग करें। सर, एक तरह का ये नहीं कि मॉल खुलते के साथ ही आप पूरे एकदम से क्राउड फील करें, तो आप मतलब इसके लिए पूरे आप भी अपने आप को रेडी रखे हुए हैं। लेकिन एक चीज़ बताइए ना सर, पिछले 2 महीने से सब कुछ बंद था, आपके यहाँ मॉल में बहुत सारे एम्प्लॉय भी काम करते थे, कुछ लोग चले गए होंगे? हाँ, कुछ लोग गांव चले गए। अगर गवर्नमेंट के साथ मॉल खुलता है तो हम लोग उनको कॉल करके बोलेंगे ठीक है मॉल ओपन की तारीख, जैसे गवर्नमेंट बोलती है 8 तारीख या 30 तारीख, कभी जो गाइडलाइंस देगी तारीख देगी, उनको हम कॉल करके बोलेंगे ठीक है मॉल ओपन होने वाला है, 2-3 दिन पहले आएंगे, ताकि उनको भी समझा सकें, ट्रेनिंग दे सकें कि हाँ किस तरह से मॉल ओपन होगा। अच्छा, रेगुलर अभी बंद है फिर भी सैनिटाइज वगैरह किए कर रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से? साफ सफाई, सैनिटाइज, मेंटेनेंस, सब कुछ कंप्लीट है। लेकिन एक चीज़ बताइए ना सर, यहाँ जितने भी शॉप हैं, वैरायटी ब्रांड वगैरह बहुत सारी शॉप नज़र आ रही है, इस लाइफस्टाइल अगर देखा जाए तो सर ये लोग भी परेशान हो रहे होंगे, अंदर कोई नहीं जा पा रहा है, रेंट भी इनको देना पड़ता है, हर चीज़ में परेशानी तो इनको भी हो रही होगी। रेंट का मामला को मैनेजमेंट डिसाइड करता है, हम लोग नहीं करते। लेकिन परेशान तो होते होंगे, ये हो सकता है, लेकिन हम नहीं मान उस चीज़ को बोल सकते रेंट की। लेकिन आप तैयार हैं पूरी तरह से? हम पूरी तरह। ये देखिए, ये बड़े बड़े जयपुर में ऐसे बहुत सारे आपको मॉल दिख जाएंगे, ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी यह एक्टिविटी शुरू हो जाए, सुरक्षा देने के लिए ये तैयार है, सरकार की गाइडलाइन का पालन करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बार यदि खुल जाए तो इस तरह से यहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा, चहलकदमी जो यहाँ पर नज़र आती थी रौनक, वह रौनक फिर से शुरू हो जाएगी। ये यहाँ पर मैं यहाँ जो लोग आते थे उनके एंटरटेनमेंट के लिए इस तरह से यहाँ पर झूले वगैरह सब चीज़ों की व्यवस्था थी, लेकिन लगातार ये भी बंद हैं। मॉल के अंदर की बात करें तो अभी यहाँ पर गेट पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं है, कुछ ब्रांड वाले हैं यहाँ पर, लेकिन अब उनके भी कर्मचारी चले गए हैं मॉल में, यहाँ पर जो इस पूरे देख रेख करने वाले थे वे एम्प्लॉय भी चले गए हैं, ऐसे में इन लोगों को वापस बुलाना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि सरकार से चाहते हैं कि जब सरकार ने सभी चीज़ों पर राहत दे दी है तो जयपुर के मॉल को भी खोलने की इजाज़त दे। फिलहाल तो इस तरह से क्लोज्ड का एक बोर्ड हर मॉल पे लगा है, क्योंकि सरकार ने अभी इन्हें खोलने की इजाज़त नहीं दी है। उम्मीद की जाती है जल्दी से जल्दी ये शुरू हो जाएंगे, गतिविधियां फिर से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो जाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।